स्वागत है आप सबका और इन रिव्यू में। आज मैं बात करने वाला हूँ शिव कार्तिकेय की एक एक्शन एडवेंचर टू स्टोरी बेस्ड मूवी आमरण के बारे में। तो चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं और जुड़े रहिए मेरे साथ इस रिव्यू में अंत तक। यहाँ पर मूवी इंस्पायर है इंडिया मोस्ट फियरलेस द टू स्टोरी ऑफ मॉडर्न मिलिटरी सीरीज बुक से, जो कि बेस्ड है मेजर मुकुंद की लाइफ स्टोरी के ऊपर। और इस मूवी में मेजर मुकुंद की लाइफ स्टोरी को दिखाया गया है के साथ उनके पूरे लाइफ को लगभग 3 घंटे में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में। जहाँ पर उनकी लव लाइफ और उनकी सोल्जर लाइफ को रिप्रेजेंट किया गया है इस मूवी में। और इस चीज को नैरेट किया उनके वाइफ इंदू ने। उसके साथ इस मूवी की डायरेक्शन अच्छा था। जहाँ पर इस मूवी के डायरेक्टर है जीवी प्रकाश कुमार, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है और एक एक्टर है। और इस मूवी के लिए स्टार कास्ट में है शिव कार्तिकेय, साई पल्लवी, राहुल बस और भुवन अरोरा, जिसमें मुझे शिव कार्तिकेय और साई पल्लवी की कैरेक्टर अपीयरेंस अच्छा लगा। उसके साथ उन दोनों के बीच में जो केमिस्ट्री दिखाई गए इस मूवी में वो मुझे इम्प्रेसिव लगा। यहाँ पर इस मूवी के कंसेप्ट रिलेटेबल था, क्योंकि इस मूवी के प्लॉट को सेट किए गए लाइफ के अप्स एंड डाउन सिचुएशन में, जो कि रेप्लीकेट करता है एक सोल्जर के लाइफ के ऊपर। और इसके स्क्रीन प्ले अच्छा था। यहाँ पर इसके फर्स्ट हाफ में सोल्जर के लव लाइफ को दिखाया गया है और इसके सेकंड हाफ में सोल्जर के एक्शन एडवेंचर लाइफ को दिखाया गया है। और इन दोनों लाइफ को काफी इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट किए गए इस मूवी में। तो ओवरऑल इस मूवी की कंसेप्ट की प्रेजेंटेशन और इसकी परफॉर्मेंस मुझे इम्प्रेसिव लगा। अगर आपने मूवी देखा है तो कमेंट करके बताए आपको ये मूवी कैसा लगा। ये था मेरा रिव्यू आमरण मूवी के बारे में। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो इस रिव्यू को लाइक एंड शेयर कीजिए। और आगे भी इस टाइप के रिव्यू देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि लगातार मेरे रिव्यू आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए अलविदा।